FMC का जो मल्टी हाई अवेलेबिलिटी है FMC के ऊपर, उसके ऊपर आ जाते हैं। नाउ हाँ, FMC का भी FMC हाई अवेलेबिलिटी है। अब FMC के अंदर तकरीबन जो है सो एक्टिव स्टैंड बाई का ही प्रोसेस रहता, और एक्टिव एक्टिव का प्रोसेस नहीं रहता, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेन चीज़ें कौन सी चीज़ें जो है सो आप कॉपी कर सकते हैं? तो बेसिकली जो भी FMC के अंदर जो प्राइमरी FMC है, उसके अंदर जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सेकेंडरी FMC के अंदर कॉपी हो जाता, दैट्स नॉट एन इश्यू। मेन चीज़ प्रॉब्लम कहाँ पे आती बोले तो, ये आपका FMC है कनेक्टेड टू स्विच है, और ये आपका FMC2 है कनेक्टेड टू स्विच है। समझो दोनों भी स्विच को कनेक्टेड है, स्विच माल फंक्शन करा, ये पोर्ट डाउन हो गया, ठीक है, ये पोर्ट डाउन हो गया। तो उस हिसाब से FMC2 जो है सो FMC1 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, इन्हें अप हो जाता, एक्टिव बोल के कर लेता, ठीक है। अब इसके पास इन्हें भी ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, इसका पोर्ट डाउन है सिर्फ, जिसकी वजह से इन्हें भी अप रहता, अब इन्हें भी एक्टिव है बोलता, दोनों भी एक्टिव एक्टिव हो गए। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट ब्रेन। अब और एक एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे स्विच को जो है सो ये पोर्ट बराबर ही है, दोनों पोर्ट्स भी ओके हैं, लेकिन कोई कॉन्फ़िगरेशन करके दोनों को जो है सो अलग अलग वीलैन के ऊपर डाल दिया उन, तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन फिर से ब्रेक हो गया। तो FMC के साथ यही एक प्रॉब्लम है, स्प्लिट ब्रेन। ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता कभी भी FMC को कॉन्फ़िगर करते, तो कभी भी FMC को कॉन्फ़िगर कर रहे तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस लेना, और जो मेन इंटरफेस है जिसके साथ थ्रू जो है सो आप वो क्या बोलते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है, या तो HTTP एक्सेस करते हैं, वो वाला इंटरफेस अलग है, इन दोनों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वो स्विच अलग ही रखना है। क्योंकि स्प्लिट ब्रेन में क्या होता बोले तो, इन्हें भी एक्टिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल अब ये तो इन्हें दूसरे वीलैन में है, और इन्हें जो है सो FTD के साथ भी कम्युनिकेट हो रहा, इन्हें भी दूसरे वीलैन में है आके उन्हें भी FTD के साथ कम्युनिकेट हो रहा, तो भी लगा इन्हें भी FMC1 आके भी बोल रहा कि मैं एक्टिव हूँ, इन्हें भी आके बोल रहा एक्टिव हूँ, तो FTD किसकी सुनेगा। और ऊपर से भी अब इसका जो IP एड्रेस है, इन्हें भी वो IP एड्रेस ले लेता, फॉर एग्जाम्पल .13 है, .13 है, और नेटवर्क जो है सो 172.168.100.0/24। तो जब भी इन्हें दोनों आपस में डिटेक्ट कर रहे, सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी डिटेक्ट कर रहा कि प्राइमरी डाउन है, तो उन्हें उसका IP एड्रेस ले लेता, ले लेके फिर FTD के पास जाता, वो उसको बोलता कि भाई जो भी है इंफॉर्मेशन मेरे को दिया बोलता, और फिर यहाँ से FMC1 भी आ रहा, उन भी बोलता मेरा भी IP एड्रेस वही है, तो डुप्लीकेट IP एड्रेस का इश्यू भी हो गया यहाँ पे। तो ये सब नहीं होने के वास्ते डेफिनेटली आप कभी भी FMC जब भी है हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते, तो FMC1 और FMC2 एक इंटरफेस जो कि मेन FTDs यानी सेंसर्स को कनेक्ट होता, दूसरा इंटरफेस जो है सो आप हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज करेंगे, डेडिकेटेड वन। तो इससे क्या अच्छा, होता और है, ये एक लोग आज स्विच। जो जो है हाई अवेलेबिलिटी का जो सिंक्रोनाइजेशन एंड डिटेक्शन है वो ये इंटरफेस के ऊपर चलता, जिससे चलते आपका स्प्लिट ब्रेन जो प्रोसेस है वो नहीं होता प्रॉब्लम। उसके बाद अगर ये पोर्ट डाउन हो गया तो FMC बोलता कि भाई ये मेरे पास पोर्ट डाउन हो गया, तुम टेक ओवर कर लो बोल के, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है यहाँ पे, या क्लियर। हाई अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं ना, उधर एक स्विच लगते रहता क्या, या फिर हाँ, हमेशा कभी अच्छा भी हाई अवेलेबिलिटी का जो भी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो स्विच के थ्रू ही कनेक्ट करना है, बेस्ट प्रैक्टिस वही है, क्योंकि स्विच के थ्रू कनेक्ट करे तो क्या होता, कुछ भी एक पोर्ट डाउन हुआ, कुछ भी हुआ तो मालूम होता। अब स्विच को कनेक्टेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल FMC1 डायरेक्टली कनेक्टेड टू FMC2, अब लिंक डाउन हुआ, कौन डाउन हुआ, कैसा मालूम होता, अब वही स्विच को कनेक्ट हुआ,
इन्हें डाउन हुआ, तो ये स्विच डाउन जाता तो तुम्हारा मालूम होता ओके एफएमसी वन की प्रॉब्लम है बोल के। अगर डायरेक्टली कनेक्ट करे तो कुछ लिंक डाउन हुआ तो कैसा मालूम होता किसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कौन से भी साइड में कौन सा भी एक पोर्ट डाउन हो गया बोल तो दोनों पोर्ट्स भी डाउन हो जाते। तो इसलिए हमेशा जब भी हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं वो रिकमेंडेड या बेस्ट प्रैक्टिस है कि वो स्विच को कनेक्ट रहे, तो एग्जैक्टली आपको मालूम होता है कि कौन सा पोर्ट डाउन हुआ, कौन सा डिवाइस का पोर्ट डाउन हुआ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो कॉन्फ़िगर करेंगे अब। फिट फॉर द प्रोग्राम। ऑलराइट, सो एफएमसी के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी उसके ऊपर जाता हूँ, सेकेंडरी एफएमसी में जाता हूँ। तो मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से देखा देखा गया तो एफएमसी सेकेंडरी जो है सो 14 पे है, FMC 1 जो है सो .13 पे है, और दोनों भी मैनेजमेंट नेटवर्क पे है। लॉग इन करता हूँ, ये तो माइग्रेशन है, मेरे को माइग्रेशन नहीं करना है, क्लिक होगा उसके ऊपर, दैट्स फाइन। और सो सबसे पहले हाई अवेलेबिलिटी पे जाना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन कहाँ की था ना, रो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, कहाँ पे है, इंटीग्रेशन अदर इंटीग्रेशन के अंदर जाता हूँ, इंटीग्रेशन और अदर इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो है सो आपको हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं फिलहाल सेकेंडरी के अंदर हूँ, तो पहले सेकेंडरी कॉन्फ़िगर करता हूँ फिर उसके बाद प्राइमरी करता हूँ। तो जैसा हाई अवेलेबिलिटी में गया तो उन्हें बोल रहा ये स्टैंड अलोन है, तो आप उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूँ सेकेंडरी बनाना चाह रहा हूँ। तो प्राइमरी कौन है बोल के पूछ रहा, तो मैं बोल रहा हूँ 172.168.100.13 है, एक की देते जैसा कि पासवर्ड दो, इन दोनों जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वेरीफाई करने के वास्ते हाई अवेलेबिलिटी में। तो मैं क्लिक ऑन रजिस्टर, तो मैं सेकेंडरी को बोल रहा हूँ कि प्राइमरी का एड्रेस ये है और इसका पासवर्ड ये है, तुम उधर जाके रजिस्टर हो जाओ। एंड डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर दी प्राइमरी पियर, यस। अब प्राइमरी के ऊपर भी आ जाता हूँ और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अदर इंटीग्रेशन, ठीक है। इन्हें देखो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन बोल के दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब प्राइमरी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका सेकेंडरी है या नहीं है बोल के, ठीक है, अपन उसको अब बोलना पड़ता। राइट, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ अब प्राइमरी, तो इन्हें मेरे को कौन सा इन्फॉर्मेशन पूछ रहा सेकेंडरी कौन है बोल के, तो मैं बोल रहा हूँ 172.168.14, और जो पासवर्ड दिया था सिस्को, इन्हें वही पासवर्ड जो है सो सेकेंडरी के साथ वेरीफाई करता, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करता। नाउ दिस ऑपरेशन में अफेक्ट क्रिटिकल प्रोसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड, तो आपके जो भी क्रिटिकल प्रोसेस है वो पूरे वो होते हैं अफेक्ट होते। तो क्रिटिकल प्रोसेस से याद था मतलब ये हो गया कि आपकी SSL पॉलिसी, आइडेंटिटी पॉलिसी, जो भी इंट्रूजन पॉलिसी थी, ये पूरे सारे इफेक्ट होते। नाउ सेकेंडरी पेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलिसी विल बी रिमूव्ड, जब ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होएगा तो सेकेंडरी कन से जो भी कॉन्फ़िगरेशन होके है वो पूरा निकल जाएगा। आफ्टर फायरवॉल मैनेजमेंट सेंटर हाई अवेलेबिलिटी इज कॉन्फ़िगर्ड इन वर्चुअल और क्लाउड एनवायरनमेंट, ईच रजिस्टर्ड फायरवॉल थ्रेट डिफेंस कंज्यूम एन एडिशनल एफ एम सी डिवाइस लाइसेंस, ठीक है। हम यहाँ पे दो यूज कर रहे हैं एफ एम सी, तो सबसे पहले एक एफ एम सी यूज कर रहे थे
और एक FTD कनेक्ट हो रहा था। तो अपने को क्या था, FMC का जो लाइसेंस था एक ही होने की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे एक FMC 2 भी आ गया। अब फिर जब इन दोनों हाई अवेलेबिलिटी पे सिंक्रोनाइज होते तो ये डिवाइस जो FTD है उसके पास दो लाइसेंस होना चाहिए FMC को कनेक्ट करने के लिए। अगेन वो लाइसेंस के हिसाब से है, सो डोंट नीड टू वरी। अपन कैसा भी लैब कर रहे तो बाई डिफॉल्ट दो अलाउड है। सो डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर सेकेंडरी पेयर? यस बोलो। अब उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। तब ये पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वो चेंज होता, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन उन्हें स्टार्ट करता। अगेन ये एक प्रोसेस को 5-10 मिनट लगते या तो कम ही लगते। सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद सेकेंडरी कंसेंट जो भी पूरे ऑप्शन दिख रहे ना यहाँ पे, आपको ये पूरे ऑप्शन चले जाते हैं। वेरी लिमिटेड एक्सेस रहता सेकेंडरी में। ठीक है, स्टार्ट हुआ सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो इन्हें फेल्ड बोल के दिखा रहा सिंक्रोनाइजेशन, टेंशन नहीं लेना। वो सिंक्रोनाइज होने उन्हें टाइम लेता, तो वो टोटली कंप्लीट हो जब तक एक 5-10 मिनट वेट करो, उसके बाद जो है सो उन्हें सिंक्रोनाइज ओके बोल के दिखाता। नाउ हाई अवेलेबिलिटी ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस, द स्टेटस मैसेजेस एंड अलर्ट्स ऑन दिस पेज आर टेम्पररी। देखो यहाँ पे उन्हें बोल रहा जो भी मैसेजेस है सब टेम्पररी है। यहाँ पे प्लीज चेक द हाई अवेलेबिलिटी ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड, द ऑपरेशन इंक्लूड द कॉपी विच मे टेक टाइम टू कंप्लीट। तो यहाँ पे टास्क में आ जाओ और यहाँ पे टास्क में जाओ। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा। तो अब यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो स्टैंड बाय प्राइमरी और स्टैंड बाय एक्टिव, क्या बात है। जो लोकल है वो स्टैंड बाय पे रखा, जो रिमोट है उसको एक्टिव पे रखा एट दिस मोमेंट। लेकिन फिर चेंज करा आप, जो प्राइमरी है वो लोकल है उसको एक्टिव बना दिया और जो सेकेंडरी है उसको स्टैंड बाय बना दिया। अपने आप चेंज कर रहा हूँ। अपने आप चेंज हो रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखो उन्हें हाँ डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करा अभी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्विच पीयर्स बोले तो, पीयर रोल्स बोले तो आप एक्टिव को स्टैंड बाय बना रहे, स्टैंड बाय को एक्टिव बना रहे, तो आप बना सकते। ब्रेक हैच ए हाई अवेलेबिलिटी, अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी से इन दोनों को अलग करना है तो आप ब्रेक कर सकते। अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन पॉज करना है तो आप यहाँ से पॉज कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंसर्स के डिटेल्स भी दे रहा है इन्हें, 16 एंड 17। देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड फेल बोल के दे रहा। तो सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हुए जब तक वेट करो। एंड अगेन पूरा कंप्लीट होने के बाद ये जो है सो रजिस्टर मेरे ख्याल से फेल ही दिखा था, क्योंकि वर्चुअल के अंदर एक ही FMC के साथ आप कनेक्ट कर सकते, उसी का लाइसेंस रहता। तो एज आई सेड एडिशनल लाइसेंस होना पड़ता आपको, बट एनी ये लैब है तो इसलिए होता, मसला नहीं है। ऑलराइट, सो कॉन्फ़िगरेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ। अब उन्हें मेन्यू रिफ्रेश कर रहा, रिफ्रेश करने के बाद आपका रिफ्रेश हुआ पेज। अब अपने को सिंक्रोनाइजेशन उन्हें ओके बोलना अभी। अब यहाँ पे भी पूरे ऑप्शंस दिखा रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको लॉग ऑफ करता हूँ एंड लॉग आउट। और यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी देखो सिंक्रोनाइजेशन ओके हो गया। डिग्रेडेड सिंक्रोनाइजेशन इनकम्प्लीट, इसका छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। ऑटोमेटिक वो टाइम लगता पूरा सिंक्रोनाइजेशन करने के वास्ते। और यहाँ पे देखो जो रजिस्ट्रेशन फेल दिखा रहा था वो पूरे रजिस्ट्रेशन अब पूरे वापस आ गए। आगे जैसा कि हालांकि बोला था कि वर्चुअलाइजेशन में दो FMC के साथ ऑटोमेटिक लाइसेंस रहता, तो शुडन्ट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब सेकेंडरी में जाता हूँ, फिर वापस एक बार सेकेंडरी के अंदर लॉग इन करेंगे अब।
हट सेकेंडरी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी ऑप्शन दिख रहे हो, कुछ भी नहीं रहता ऑप्शन। हाँ अब इंटीग्रेशन में भी दिख रहे ऑप्शन, खाली एम्प मैनेजमेंट ही दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं दे रहा। अब डिवाइसेस, डिवाइस मैनेजमेंट दिखा रहा कुछ भी डिवाइसेस यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है ऑप्शंस। सेकेंडरी आप खाली समझो एक स्टैंड बाई है, इन्हें खाली सिंक्रोनाइजेशन करते रहता, जैसा एक्टिव डाउन हुआ तो इन्हें टेक ओवर करेंगे उतना ही। और यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन, यूजर प्रोटेक्ट, कुछ भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे भी, नोटिफिकेशंस में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है तो वही है, उसके अलावा और कुछ तो बेसिकली तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ वो नहीं है, पावर्स नहीं है कि यहाँ पे सेकेंडरी में कुछ करने का है बोल के। जो भी होता सब प्राइमरी में होता, तो वहाँ से ही जो भी इंटीग्रेशन है सब कुछ वहाँ से ही करते आप। ठीक है, खाली एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिया उन्हें बस, और कुछ भी नहीं। अगर ये भी हाई अवेलेबिलिटी पे गया तो ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड होके है, तो वही डिटेल्स दिखाना चाहिए उन्हें। ऑल गुड, क्लियर है? हाँ एफएमसी हाई अवेलेबिलिटी,